नमस्कार, अपनी बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आरती शर्मा। आज जिस शख्सियत से हम अपनी बात करने जा रहे हैं वो है जालौर के बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र सिंह जी बालावत। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी बात में। धन्यवाद बालावत जी। हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने अपना राजनीति सफर कैसे तय किया, कैसा रहा आपका राजनीति सफर? मेरा राजनीतिक जीवन छात्र जीवन से शुरू हो गया। मूलतः मैं जब पढ़ता था स्कूल में तब विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संपर्क में आया। कॉलेज जीवन में मैंने छात्र संघर्ष छात्र विकास के लिए अनेक काम किया। पूरे जालौर जिला मेरा कार्य क्षेत्र रहा। मैं जालौर राजकीय महाविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष रहा 89-90 में जी। फिर मैं स्टेप बाई स्टेप भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के भारतीय जनता युवा मोर्चा का जालौर जिला अध्यक्ष रहा 8 वर्षों तक। फिर पार्टी में प्रवेश हो गया, पार्टी का महामंत्री रहा, अब पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ। आपके अध्यक्ष बनने के बाद 4 साल के कार्यकाल में आपको कोई ऐसी उपलब्धि नजर आती है जो सोच आपकी हो, आइडिया आपका हो और आपको लगा हो कि हाँ इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता? बिल्कुल वाजिब सवाल किया आपने। मैं जब संगठन का अध्यक्ष बना 2015 में तो स्वाभाविक रूप से हम राजनीतिक दल में काम करते हैं तो अनेक उतार चढ़ाव रहते हैं, अनेक जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, कुछ जनप्रतिनिधि चुनने से रह जाते हैं। तो मेरा दायित्व बना, मैं जिलाध्यक्ष बना तो पूरे जिले में भाजपा को एकजुट कैसे करें, एकमुख कैसे करें, वो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि रही। और 5 वर्षों मैंने जिले में ये करके दिखाया कि संगठन एक है, किसी प्रकार का संगठन में मतभेद नहीं है। और इसमें मेरे पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि, पार्टी के पदाधिकारी, इन सबका मेरे साथ सहयोग रहा है। आप कह रहे हैं कि आपने सभी को मिलजुल कर साथ चलने का जिम्मा भी उठाया, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपकी पार्टी के विरुद्ध जाकर बयानबाजी करते हैं और बगावत का बिगुल बजाते हैं, तो इससे आपकी पार्टी को नुकसान नहीं होता? नहीं, ये सवाल जो आपने किया है मैं पूर्णतः इससे सहमत नहीं हूँ। जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं और प्रदेश की मुख्यमंत्री यशस्वी वसुंधरा राजे जी है, इन दोनों के नारा दिया सबका साथ सबका विकास जी। हमारा मूल थीम ही है, सरकार का हो या संगठन का हो, हम सबको साथ लेके चलेंगे। इतना बड़ा परिवार है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें बड़े स्तर पर जालौर जिले में किसी प्रकार बगावत का कोई ऐसा नहीं दिखा। हम अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हैं, उनके नेतृत्व में और देश में विकास करने वाली सरकार सबका साथ सबका विकास को लेकर नरेंद्र मोदी जी के विकास को देखते हुए पूरे देश ने विश्वास व्यक्त किया। आज दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, 11 करोड़ की सदस्य वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। आपकी पार्टी द्वारा कुछ अहम फैसले लिए गए जैसे नोटबंदी और GST, इससे उद्योगपतियों और आर्थिक भारत की आर्थिक विकास पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा, इस बारे में आप क्या कहेंगे? आप ऑथेंटिक फिगर ले आए। अभी अमेरिका का एक सर्वे हाउस है, उन्होंने अपना सर्वे जारी किया सप्ताह भर पहले और देश को, भारत को बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र बताया है। GST और नोटबंदी आज़ादी के बाद में भारत का सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है। करों का सरलीकरण हुआ है और निचले स्तर का जो भारत का उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, जिसको चीज़ें खरीदनी है, उनको बहुत बड़ी राहत मिली है। टैक्स एक बार चुकाना पड़ेगा, पहले जो टैक्स था उसके अनेक हर्डल थे, मैं यहाँ चुकाऊंगा, मैं वहाँ चुकाऊंगा, मैं वहाँ चुकाऊंगा, अलग अलग राज्यों के अलग अलग स्लैब थे, इसमें वो स्पष्ट हो गया। दूसरा बिंदु आपने उठाया नोटबंदी का। देश में इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम नरेंद्र मोदी जी उठा सकते थे और आज उसके अच्छे परिणाम सामने आए। जिस प्रकार से देश में अवैध धन आ रहा था, आतंकवाद बढ़ रहा था, कालाबाजारी बढ़ रही थी और नकली नोटों का चलन बढ़ गया था, मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम इसमें 100% सारे नकली नोट बंद हो गए हैं, लेकिन एक काला धन था जिन्होंने देश को टैक्स चुकाया नहीं, गलत तरीके से धन संग्रह कर लिया था, उस पर रोक लगाने के लिए सक्षम उपाय हुआ है और ये दोनों ही कार्यक्रम बहुत सफल रहे हैं। सत्ता और संगठन में जब भी किसी पदाधिकारी या मंत्री से कोई भी सवाल किया जाता है तो वो इस बात को ये कहकर टाल देते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। क्या आपके इस जवाब से जनता संतुष्ट हो जाती है? नहीं, ऐसे जवाब से जनता भी संतुष्ट नहीं होती और ऐसे जवाब हम लोगों को भी देने नहीं चाहिए। हमको हमारी उपलब्धि बनानी चाहिए कि हमको सरकार बनाने का जनता ने जनादेश दिया है,
जनता ने जब हमको आदेश दे दिया कि आपको जाके विकास के काम करने हैं, तो हमारा दायित्व बनता है हम विकास के काम करें और विकास जनता को बताएं। मैं निश्चित तौर पर इस बात से सहमत हूँ कि हमने जनादेश को सर्वोपरि माना जी। और उसके आधार पर चाहे हमारी केंद्र सरकार हो चाहे हमारी राज्य सरकार हो, इन्होंने प्रदेश में और केंद्र में जनादेश का सम्मान करते हुए विकास को आगे बढ़ाया है। और हम किसी प्रकार का कांग्रेस से नहीं कहेंगे कि आपने क्या किया, हमको हमारा काम करने के लिए हमको आदेश दिया है और 5 साल में दोनों ही सरकार अपना आप में रिकॉर्ड बनाएगी। और जो मूल वाक्य है सबका साथ सबका विकास, हमने गांव और गरीब, किसान और मजदूर, विद्यार्थी और व्यापारी, महिला और बुजुर्ग सबका सम्मान रखते हुए एक नीतिगत तरीके से समग्र विकास जिसको बोल सकते हैं ऐसा तय किया है। और ऐसे अनेक सोपान हमारी सरकारों ने तय भी किए। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, मैं बड़ा गर्व के साथ कह सकता हूँ इस 4 साल के कार्यकाल में मोदी जी की सरकार में वैसे ही मंत्री है, वही सेक्रेटरी है, लेकिन सिस्टम को इतना साफ सुथरा कर लिया कि एक कौड़ी का, एक पैसे का इस सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप न तो लगा है और न कोई साबित करने की कोशिश हुई है। ऐसा ही राजस्थान की वसुंधरा राजे जी सरकार, पिछली सरकार में अनेक लोग चरित्रहीनता के आधार पर, भ्रष्टाचार के आधार पर घर गए, कुछ लोग जेलों में बैठे, अभी तक जमानत नहीं हुई। हमारी सरकार को 4.5 साल हो गए, एक पैसे का राजस्थान सरकार पर आरोप नहीं लगा। इसलिए हमने सरकारी स्तर पर प्रक्रियाओं में, टेंडरों में और काम में विकास हमने उनसे 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया। खर्च हमारा 10 गुना ज़्यादा हो गया, सड़कों के क्षेत्र में ले लो, बिजली के क्षेत्र में ले लो, निर्माण के क्षेत्र में ले लो, शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, और भ्रष्टाचार 0% में ले आए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि, इसलिए भारत सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, इस पर कोई विपक्ष भी भ्रष्टाचार का सीधा प्रत्यक्ष रूप से आरोप नहीं लगा सकता, ये बड़ी उपलब्धि है। जातिगत आरक्षण को लेकर भाजपा की सोच बताएं और क्या आरक्षण हटना चाहिए या नहीं? जातिगत आरक्षण का सवाल जहाँ तक है थोड़ा जटिल विषय है। आरक्षण अचानक नहीं दिया गया है, बहुत विचार मंथन करने के बाद और आज़ादी से पहले भी जी सोच विचार करके देश को बनाने वालों ने, निर्माताओं ने आरक्षण की व्यवस्था की है। जातिगत आरक्षण एक साथ ख़त्म नहीं हो सकता, जब तक वो जातियाँ समान रूप से साथ चलने की स्थिति में नहीं है। और जब आ जाएंगे तो हमारे विद्वान लोग हैं, राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, समाज के लोग हैं और सारे लोग बैठ करके देश स्तर पर विचार करेंगे। लेकिन आज की स्थिति में जो समाज पिछड़े हुए हैं, जो जातियाँ पिछड़ी हुई है, उनको ऐसा अवसर देना चाहिए कि वो एक साथ आ जाए। और एक साथ आने के बाद में फिर इसका स्वरूप बदल सकता है, आर्थिक आधार पर आरक्षण हो सकता है, लेकिन अभी जातिगत आधार की आरक्षण की आवश्यकता है। इसे हटाया जाना चाहिए या नहीं? नहीं, जब वैसा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाएगा, वैसे अवसर आ जाएंगे, वो अपने साथ चलने की स्थिति में आ जाएंगे, तो इसको ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन आज ख़त्म करने की स्थिति नहीं। जी, पिछले साल हमारे जालौर जिले के आसपास क्षेत्रों में बाढ़ आई थी, तो सांचौर में भी बाढ़ आई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी ने वहां जाकर जायजा लिया था स्थिति का और वहां पर सभी को मुआवजा देने की बात कही गई थी, लेकिन उन लोगों को मुआवजा नहीं मिला और मानसून वापस आ चुका है, वो उसी इंतज़ार में है कि उन्हें मुआवजा मिलेगा। क्या कहेंगे इस बारे में? अच्छी बात है, पिछली 2 सालों से 2016-17 और 17-18 के मानसून सत्र, सामान्यतः राजस्थान में हमारे जालौर जिले में जून लास्ट में और जुलाई फर्स्ट में बारिश आती है, पूरे देश में और पूरी दुनिया में और हमारे यहाँ भी बरसात और खेती के आधार पर ही हमारा विकास होता है। इसलिए बरसात अच्छी हो, ये संयोग अच्छा है, जब जब भी वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री बनती है राजस्थान में अच्छी बारिश आती है, और जब जब भी ये संयोग ही कहूँ कांग्रेस सरकारों में रही है अकाल रहा है। वसुंधरा जी का ऐसा तप है, उनकी पूजा अर्चना है, तो बारिश अच्छी हुई, लेकिन बारिश का कुछ नुकसान भी हुआ। जालौर जिले के सांचौर में, दिनमाल में, रानीवाड़ा में कुछ रास्ते कट गए, कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए और कई परिवारों को नुकसान पहुंचा। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जुलाई और अगस्त में बारिश हुई, 31 जुलाई को मुख्यमंत्री जी जालौर हेलीकॉप्टर से आई थी, फिर यहीं से निरीक्षण के लिए सांचौर गई 31 जुलाई 2017। त्वरित गति से काम कैसे हो उसके लिए उन्होंने अधिकारियों की स्टेडियम के सभा कक्ष में मीटिंग ली,
तत्कालीन जिला कलेक्टर एल एन सोनी साहब और हमारे कलेक्टर विकास एसपी विकास कुमार जी, हमारे एमपी सांसद देव जी पटेल, चार विधायक प्लस पूर्व विधायक जीवाराम जी, पूरा संगठन, जनप्रतिनिधि, जिला प्रमुख, प्रधान, नगर पालिकाओं का अध्यक्ष और अनेक समाज सेवी संस्थाएं जिसमें एनजीओ भी शामिल, समाज के काम करने वाले भी शामिल, उन लोगों ने मिलकर के बाढ़ग्रस्त लोगों की सहायता की। मुझे जहाँ तक मालूम है 348 परिवार स्पेशली सांचौर क्षेत्र के जी, जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए थे आंशिक, उनको 348 परिवारों को जुलाई और अगस्त महीने में हमने पैसा दे दिया था। सभी को 348 परिवार जो चिन्हित हुए थे जी, जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। अनेक ऐसे किसान जिनकी फसलें चौपट हुई थी, जिनका प्रधानमंत्री ने जो फसल बीमा योजना कर रखी है उसमें कवर आ गए थे, उनको कृषि आदान अनुदान और बीमा का क्लेम, जनधन योजना के तहत जो प्रधानमंत्री जी ने खाते खुलवाए थे उनका सारा का सारा सहायता का पैसा उनके खाते में चला जाता है। इसलिए जनमानस को मालूम नहीं पड़ा कि उनको सहायता मिली कि नहीं मिली, इसलिए उनके खाते में चला गया। अनेक ऐसे परिवार थे जिनको रिलीफ की जरूरत थी, तो वो भी प्रधानमंत्री राहत कोष से और मुख्यमंत्री राहत कोष से मिल गया था। 12 या 13, मुझे एक आध का भूल हो सकता है, लोगों की डेथ हुई थी बाढ़ में। उन लोगों को 5-5 लाख रुपए, पहले मृतकों को 2-2 लाख रुपए सहायता देते थे, इस बार 3 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से और 2 लाख प्रधानमंत्री सहायता कोष से। 5-5 लाख रुपए 11 लोगों को उसी समय दे दिया था। एक आध केस ऐसा था जो बाड़मेर जिले का रहने वाला था और जालौर जिले में तेज बाढ़ के कारण उनकी मौत हो गई थी और वो सरकारी कर्मचारी थे, तो उसका क्लेम बना करके हमने बाड़मेर जिला प्रशासन को भेज दिया था। आगे का मुद्दा मैं जालौर के रेलवे के मुद्दे को लेकर उठाना चाहूंगी, क्योंकि जालौर में रेल का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा है और आज भी जालौर वासियों को रेल की सुविधा नहीं मिल पा रही है और अहमदाबाद, मुंबई जैसी जो रेल जाती है यहाँ से, उनका नियमितीकरण नहीं है। क्या कहेंगे इस बारे में आप? ये बहुत ज़रूरी है, रेलों की कनेक्टिविटी बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से आज देश और दुनिया एक हो रहे हैं, व्यापार के क्षेत्र बढ़ रहे हैं, तो रेल कनेक्टिविटी ज़रूरी है जी। जालौर जिला मुख्यालय और हम लोग अच्छे किस्मत वाले हैं कि हमारे करीब करीब पूरे जिले को रेल क्रॉस करती है। जालौर विधानसभा आ जाती है, भिनमाल आ गया, रानीवाड़ा आ गया, तो अच्छा कनेक्टिविटी है। लेकिन रेल का मीटर गेज से ब्रॉड गेज होने में हमने बहुत समय गंवा दिया। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ लेकिन हकीकत बताऊँगा कि वर्षों तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही और ये केंद्र से जुड़ा हुआ विषय है। ब्रॉड गेज बन गया तो पहले जैसी हमारी ट्रेनों की स्थिति वैसी हम लोग मांग कर रहे हैं कि ट्रेनें हमको नियमित मिल जाए और दक्षिण से जोड़ने वाली ट्रेनें ज़्यादा मिले। इसमें तकनीकी एक समस्या आ रही थी कि हमारी जो समदड़ी बिल जो पुराना ट्रैक था जी, ये अंग्रेजों के समय में स्टेट टाइम में स्वीकृत हो गया था। भीलड़ी से वापस ट्रेन जाने का आगे कोई ट्रैक था ही नहीं, गांधीधाम का ट्रैक था, वो अहमदाबाद में जोड़ता था। तो भीलड़ी से हमारी जो अहमदाबाद की तरफ जाने वाली रेलें हैं, मुंबई की तरफ जाने वाली रेलें हैं या बेंगलोर तक अभी हमारे रेल जारी है, उसको भीलड़ी से वापस 2 बार चेंज करना पड़ता है और रिटर्न करके उसको पालनपुर लाया जाता है, तो उसमें रेल का समय बहुत जाता है जी। इस क्षेत्र में जो समस्या आपने बताई है, मैं इससे अच्छी जानकारी आपको दे रहा हूँ और वो जानकारी आपके माध्यम से जनता तक जाए। इस हेतु हमारे सांसद देवजी पटेल ने अच्छे प्रयास किए और वो प्रयास का परिणाम अभी आने वाला। देवजी पटेल साहब के साथ ही हमारे गुजरात के भी 3-4 सांसद हैं, वो इस मुहिम में साथ लगे हुए हैं। ये इसका पूर्णतया समाधान कब होगा? जब भीलड़ी से हम वापस घूम करके पालनपुर आते हैं, इस समस्या से समाधान मिल जाए जी। तो हम भीलड़ी से अब ट्रेन है पाटन होते हुए अहमदाबाद ले जाएंगे, तो भीलड़ी से पाटन के लिए बीच में जाते हैं तो वहाँ एक वर्ल्ड हेरिटेज है जी। तो भारत सरकार का पुरातत्व संरक्षण विभाग वहाँ से रेल ट्रैक निकालने की अनुमति नहीं दे रहा था, लेकिन हमारे प्रयास से हमारे सांसद महोदय देवजी पटेल ने और कुछ गुजरात के सांसद महोदय ने अच्छे प्रयास किया, नरेंद्र मोदी जी ने उस पर सहमति दे दी है। हल्का सा वहाँ से कर्व ट्रेन होगा और वो जमीन मिल गई है, अनुमति मिल गई है, दिसंबर तक सारे उसका लैंड एक्विजिशन का काम हो जाएगा और आने वाले 2019 तक ट्रैक बिछ जाएगा। और ज्यों ही भीलड़ी से पाटन और पाटन से अहमदाबाद ये ट्रैक जुड़ने के बाद हमारी जितनी ट्रेनें हैं, बीकानेर से छूटने वाली रेलें, जोधपुर से छूटने वाली रेलें, बाड़मेर से छूटने वाली रेलें, क्योंकि फालना वाला जो नेशनल ट्रैक है
फलना, अजमेर, मारवाड़ जंक्शन होती हुई जयपुर दिल्ली, वो उस पर बहुत रस है। तो हम भी चाहते हैं, सरकार भी चाहती है, रेलवे मंत्रालय भी चाह रहा है और हमारे सांसद मोदी भी चाह रहे हैं कि कुछ पैसेंजर ट्रेनें उस ट्रैक की बजाय हमारे ट्रैक पर आ जाए। लेकिन उसमें बीलड़ी से पाटन अहमदाबाद ट्रैक शुरू हो जाएगा तो निश्चित तौर पर जो आप ट्रेनें हमारे ट्रैक पर कम हैं वो ट्रेनें हो जाएगी। और मैं आज अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि आपके इसके माध्यम से जो नया ट्रैक की हम बरसों से मांग कर रहे थे, इस समस्या का समाधान उसी में है जी। और वो उसमें हमने सफलता प्राप्त कर ली है। सरकार ने पैसा दे दिया है, जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू हो गई है और रेलवे का टेंडर होने के बाद ट्रैक लग जाएगा 4-6 महीने में। और अगले वर्ष में हम महसूस कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि ट्रेनें इस पर आ जाएगी, उसके बाद जालौर को अच्छी सौगात मिलेगी, पैसेंजर ट्रेनें मिल जाएंगी। तो मतलब बहुत ही जल्द जालौर के लोगों के लिए एक अच्छी सुविधा होगी और बड़ी उपलब्धि होगी हम सबके लिए जी, बड़ी उपलब्धि होगी। जालौर विकास को लेकर आपने क्या क्या कार्य किए? हाँ, जालौर पहले इसके बारे में कहावत थी, जालौर पिछड़ा हुआ जिला है जी। और पिछड़े तब कहलाते हैं रेल, रोड, एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर एंड हेल्थ। ये 5-6 बिंदु इसके आधार पर विकास के मानक तय होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा बिंदु है रोड्स जी। रोड बढ़िया होंगे तो उद्योग आएंगे। हमारे यहाँ रोड की कनेक्टिविटी थी नहीं। हम जयपुर से रवाना होते हैं, अजमेर आते हैं, पाली आते हैं, फिर सांड्राव होते हुए सिरोही होते हुए अहमदाबाद निकल जाते हैं। तो सांड्राव से हम कट गए, हम जो जालौर की तरफ आते लगता है कि आप बहुत इंटीरियर एकांत में जा रहे हो, तो रोड्स नहीं जी। इस बार नितिन गडकरी जी और प्रधानमंत्री जी उदयपुर आए, उन्होंने सड़कों का जाल बिछाने की घोषणा की और अनेक राष्ट्रीय राजमार्ग नए देने की कोशिश हुई, जिसमें हमारी मांग पर, हमारे सांसद मोदी जी की मांग पर 325 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग जो बालोतरा से निकलेगा, सिवाना, मोकलसर, बिशनगढ़, जालौर और होते हुए सांड्राव जाएगा, तो 14 से 15 को कनेक्ट कर लेगा। दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे सांसद मोदी जी ने मांग की रोहिड से सांचौर तक, वो टेक्निकली सेंक्शन हो गया है, उसकी फाइनेंशियली सेंक्शन आती है। टेक्निकली मतलब उसका तकमीना बन गया है, फाइनेंशियली मतलब वित्तीय स्वीकृति उसकी बाकी है। अगले वित्तीय वर्ष में हमारी कोशिश रहेगी कि उसकी वित्तीय स्वीकृति मिल जाए। वो रोड मिलने के बाद रोड से भद्रजन होते हुए आहोर, आहोर से जालौर, जालौर से बिनमाल, बिनमाल से रानीवाड़ा और रानीवाड़ा से सांचौर, पाँचों ही हमारे हेडक्वार्टर उस रोड से जुड़ जाएंगे जी। और सबसे बड़ी आप देखेंगे, आप अब गाँव में जाएँ, आप समाचार जगत के लोग हैं, प्रत्येक ग्राम पंचायत में राजस्थान में वसुंधरा राजे जी ने 9,800 ग्राम पंचायतें हैं, जालौर जिले में 284 ग्राम पंचायत है, प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीण गौरव प्रति है। जो सीमेंटेड रोड होगी और उसको पंचायत निर्माण नहीं करेगी, पीडब्ल्यूडी निर्माण करेगी, उसकी गुणवत्ता है, बड़े लेवल का सीसी सीमेंट बनेगा, दोनों तरफ नालियाँ बनेगी, तो गाँव में भी शहरों जैसी सड़कें हो जाएंगी। हमारी सरकार ने गाँवों के विकास के लिए रोड लाइट, सोलर लाइट की भी स्वीकृति दे दी, जो ग्रामीण गौरव पथ बन रहे हैं उस पर रोड लाइट बना लेंगे तो शहर जैसे गांव हो जाएंगे। तो सड़कों के क्षेत्र में जालौर जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ग्रामीण गौरव पथ जो सीमेंटेड रोड, 2 नेशनल हाईवे, एक तो बनी रहा है आप देख रहे होंगे और से बालोतरा होते हुए, और एक की स्वीकृति आ रही है, तो सड़कें अच्छी हो जाएगी तो विकास निश्चित तौर पर जालौर का होना है। जालौर जिले के विकास में हमारा ग्रेनाइट का बहुत बड़ा योगदान है, ग्रेनाइट उद्योग यहाँ पे है और ग्रेनाइट की खाने हमारे आसपास है। ग्रेनाइट के जो ब्लॉकेज आते हैं वो बड़े भारी होते हैं और वो भारी वाहन उनको ढोते हैं, तो कुछ पानी में जब वो वाहन आते हैं तो सड़कें टूट जाती है और वो ठीक करने में वापस हमको 4-6 महीने लग जाते हैं और तब वापस बारिश आ जाती है जी। उसी के स्थायी समाधान के लिए जहाँ जहाँ सड़कें टूटती हैं पंचायत को अधिकार दे दिया कि वहाँ आप ग्रामीण गौरव पथ बना दीजिए। आप अनेक ऐसे गांव में गिरा सकता हूँ, इधर से आप मड़गांव में जाइए, मड़गांव से रानीवाड़ा काबा में जाइए, मोद्रा में जाइए, इस साइड में अभी अपना नेशनल हाईवे और से आगे बन रहा है, तो आप गांव में घुस जाइए, चरली से पहला गांव मादड़ी आएगा, फिर दयालपुर आएगा, फिर गंगावा आएगा, फिर घुड़ा बालोतन आएगा, फिर अघवरी आएगा, आप कभी गाड़ी निकाल के जाइए। पहले इन गाँवों में सड़कें टूटी हुई थी, कमर कमर तक गड्ढे थे, छोटी गाड़ियाँ और टू व्हीलर तो पार ही नहीं होते थे। आज उन गाँवों में निकल जाइए, सारे गाँवों में ग्रामीण गौरव पथ बन गया, सीमेंटेड रोड है, साइड में ब्लॉक्स बन गए, नाली निर्माण हो गया, आप कीचड़ का एक बिंदु नहीं पाएंगे वहाँ। ये हमारी बड़ी उपलब्धि है। जहाँ जहाँ ये समस्या आई थी हमारी सरकार ने प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर ग्रामीण गौरव पथ दे दिया है और उससे हमने गाँवों का विकास किया है
आने वाले समय में ये मिथक खत्म होने वाला है कि एक बार बीजेपी की सरकार आएगी, एक बार कांग्रेस की सरकार आएगी। जो ये भ्रम था, उस भ्रम को तोड़ेंगे। हमारी सरकारें पहले बदलती थी, रिपीट होती थी, इस बार सरकार को हम रिपीट करेंगे जी। और आने वाले समय में सरकार वापस रिपीट होगी, और सरकार जब रिपीट होगी 10 साल का विकास करने का कालखंड मिलेगा। जो योजना बनती है उसको लागू करने में 2-4 वर्ष लग जाते हैं, तब 10 साल सरकार को मिलेंगे, तो अच्छे माइंडसेट के साथ विकास के नए आयाम करेंगे। और जालंधर जिले को निश्चित रूप से, जब तक मैं जिलाध्यक्ष हूँ, हमारे सारे जनप्रतिनिधि हैं, हम मेहनत करके इसको कैसे विकसित करें, कैसे आगे बढ़ाएं, उसके लिए प्रयास करेंगे जी। उदाहरण के लिए भाई, आप कुछ लेके जाओगे तो जनता वोट देगी जी। लेने के लिए, बताने के लिए हमारे पास साथ बहुत बड़ी चीज़ है। हमने पेयजल के लिए नर्मदा अटका हुआ प्रोजेक्ट था, उसको शुरू किया और 200 गांवों में लगभग पेयजल शुरू कर दिया। 200 गांवों में जो कांग्रेस सरकार गई थी, 14 गांवों को पेयजल देके गई थी रातों रात वोट के लिए, हमने 200 गांवों को दिया जी। बिजली हम घर घर दे रहे हैं, सड़क हमने बना लिए ग्रामीण गौरव पथ, राष्ट्रीय राजमार्ग, शिक्षा के क्षेत्र में हमने सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोल दिए, चिकित्सा के क्षेत्र में भामाशाह योजना में 30,000 से 3 लाख तक राजस्थान सरकार, और आने वाले समय में 5 लाख तक भारत सरकार सुरक्षा बीमा दे रही है, चिकित्सा हो गई। तो हम सारे विकास के जो मानक हैं उनको साथ लेकर के विकास करने जा रहे हैं, और जालौर जिले में करीब करीब हमने सारी जो मांगे थी, रिक्वायरमेंट थी विकास की, उनको फुलफिल कर रहे हैं। काफ़ी प्रयास कर लिया और आने वाले समय में और अच्छा प्रयास करेंगे। जालौर जिला विकसित हो, शिक्षित हो, अच्छे जिलों में कैसे राजस्थान में शामिल हो, उसके लिए हम प्रयास करते हैं। चूँकि चुनाव नज़दीक है, तो इस बार आपका चुनाव लड़ने का आधार क्या होगा? आपको लगता है कि आपकी सरकार पिछली बार की तरह प्रचंड बहुमत ला पाएगी? ये बहुत बड़ी चुनौती है, उनको वापस रिपीट होना है। हमारी सरकार अपेक्षाओं पर खरी उतरी है, हमने गांव और ग्रामीण का ध्यान रखा है, गरीब को गणेश मान करके ऐसी ऐसी योजना लाई है जिससे उनका कल्याण हो, लेकिन वापस आना बड़ी चुनौती। इसके लिए केंद्रीय संगठन ने, राज्य संगठन ने, केंद्रीय नेतृत्व ने और राज्य नेतृत्व ने बड़ी परख ठोक बजा करके अच्छे कार्यकर्ताओं को अवसर देने वाली है। इसके लिए कोई पक्षपात नहीं चलेगा, कोई भाई भतीजावाद नहीं चलेगा, और कोई जातीय आधार भी नहीं चलेगा। हम जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों को मैदान में लाने वाले हैं जी। उसके लिए कार्यकर्ताओं से राय मशवरा, वरिष्ठ लोगों का जो मानस है वो काम करेगा जी। लेकिन हम छाटने के लिए उचित माध्यम काम में लेंगे। सरकार और संगठन सर्वे करवाएगी, जो अच्छे और सच्चे उम्मीदवार हैं, विकास को ही जीत का आधार मानने वाले, ऐसा संकल्प करने वाले कार्यकर्ताओं को आगे लाएंगे। और निश्चित तौर पर पिछली बार तो 163 बहुमत पाया था और 25 ही 25 राजस्थान की लोकसभा सीटें जीती थी जी। इसलिए हम सब मिलजुल करके पार्टी स्तर पर सभी से राय मशवरा करके, हमारे सारे परिवार के लोगों से बैठ करके, समाजों के लोगों से, कार्यकर्ताओं के आधार पर, और मैंने वापस शब्द काम में लिया, सच्चे और अच्छे, जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों को लाएंगे, और हम जालौर जिले की 500 को 500 विधानसभा क्षेत्र जीतेंगे और 2019 में लोकसभा सीट भी जीतेंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री जी वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में सरकार बनाने वाले हैं, और देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार हर कोई देशवासी बनना चाहता देख रहा है, तो हम उसमें वाहक बनेंगे, भागीदार बनेंगे। और मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते प्रत्येक कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के, उन कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर के सरकार बनाने के लिए हम जीतेंगे, और इसमें सभी का सहयोग मिलेगा। और अंत में आप जनसमय के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बड़ा खुश हूँ, और आपको भी बधाई देना चाहता हूँ, जनसमय के सारी मीडिया कर्मियों को जी। जनसमय ने जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शुरू किया है, मैं सभी दर्शकों को बहुत बधाई देना चाहूँगा। जनसमय बहुत त्वरित कार्रवाई कर रहा है, और दर्शकों तक जो अच्छी खबरें हैं, सकारात्मक खबरें हैं, विकास की प्रेरणा देने वाली खबरें हैं, वो जनसमय जनता तक पहुंचा रहा है। और जनसमय के जो भी दर्शक हैं, उन सबको बधाई शुभकामना दूंगा कि आप इससे जुड़े हुए हैं और आपसे सुझाव आते हैं, उसके आधार पर हम भी काम को लेते हैं, हम भी कहीं ना कहीं प्रेरणा मानते हैं, वो समाचार जगत को मानते हैं। और समाचार जगत में जो प्रिंट मीडिया काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उससे भी फास्ट कर रहा है। तो जनसमय के सारे दर्शकों को मैं बहुत बधाई देता हूँ, और आप समय समय पर अच्छे अपडेट्स हो, अच्छे सुझाव हो,
वो हमको भी देते रहे ताकि हमको भी संगठन में और सरकार में काम करने का अवसर मिले। सभी जनसंपर्क के दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे अपनी बात करने के लिए। तो ये थी जालौर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र सिंह बालावत से अपनी बात। अगले हफ्ते फिर होगी किसी ऐसे ही शख्सियत से मुलाकात। तब तक के लिए जिले की बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए जालौर जनसमय न्यूज़।